वाह भाई क्या बात है। मनपसंद शादी क्या तय हो गई? तुम तो पढ़ना लिखना ही भूल गई। तुम यहां से जाना पसंद करोगी? क्यों, अकेले में बैठ के उसके बारे में सोचोगी? इससे बेहतर है कि तुम कॉलेज चले जाओ, वहां डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। नहीं जाना मुझे कॉलेज। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात बताओ, शादी पर तो बड़ा तपा हुआ था तुम पर वो, फिर तुम दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों लगता है कि तुम और सना इसी मुआवजे का इंतजार कर रही थी? क्योंकि तुम्हें भी अपनी अम्मी की तरह लोगों पर इल्जाम लगा कि उनको अपनों से दूर करना अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था। बकवास बंद करो। मैं अभी अम्मी को जाके बताती हूँ कि तुम कैसे घटिया इल्जाम लगा रही हो उन पर। तुम थकती नहीं हो लोगों का इतना दिल दुखाकर? तुम भी तो दिल लगा लगा कर नहीं थक रही, लेकिन जब कोई तुम्हें आईना दिखाए तो फौरन दिल दुख जाता है तुम्हारा। और मेरी बात सुनो, ये क्या तुम हर 4 दिन बाद किसी के भी कहने पर दुल्हन बनकर बैठ जाती हो? हैं? चलो उठो। और तुम्हें पता है ना, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। नजमा, बेहतर है आप अपने मेहमान को घर ही ले जाए। हाँ चलो चलो बेटा चलो। एक सेकंड, ना तो मैं आप लोगों का मेहमान हूं और ना ही यहाँ पर इनसे शादी हो रही है। देखो लड़के। लड़के नहीं, मोहब्बत से। और सितारा, तुम्हारे खानदान वाले ऐसे बात करते हैं अपने दामाद से? बेगम साहिबा, ये साहिबा मैडम का ड्राइवर देके गए। चलो भाई जाओ, तुम चाय बना के लाओ। जी अच्छा। अरे ये किसने भेजा? साहिबा ने भिजवाया। अच्छा जी, साहिबा ने भिजवाया है आपके लिए? नहीं, सलार के लिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलराइट गुड। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां छोड़कर पता नहीं किस लड़की के चक्कर में फंस गया। अच्छी लड़कियां तो हैं, लेकिन वो उन्हें करीब नहीं आने देता। तो आप क्या चाहते हैं, मैं इन दोनों को पकड़ के करीब लाऊं? अगर ऐसा कर लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तुम ऐसा करो ना, तुम ऐसा वर्कआउट करो कि साहबा उसके साथ कनाडा चली जाए, इकट्ठे होंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हो सकता है एक दूसरे को लाइक भी करना शुरू कर दें। हाँ, क्या ऐसा करने से वो लड़की को भूल सकेगा? जिस तरह जहर जहर को मारता है ना, इसी तरह एक औरत से दूसरी औरत ही बचा सकती है। For God's sake, सबा, तुम तो ऐसे रिएक्ट करी जैसे सब कुछ मैंने किए। चुनेत, तुम्हें ये सब डैड को नहीं बताना चाहिए था ना। तो बाबा, मेरे ना बताने से ग्राउंड रियलिटी बदल तो नहीं जाती ना। और तुम शुक्र करो कि मैंने अभी हमदर्दी में पूरा सच नहीं बताया। कौन सा सच? वो जो तुम्हारा बोगस सा अंदाजा था। बेगम साहिबा, अंदाजा ही बाद में सच निकलते हैं। वरना जाओ, जाके उसकी आंखों में देख लो। तूने, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं देखूंगी? मैं उससे सब पूछूंगी। सवाल करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और आशिक से सवाल करने के लिए
कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। भाई किस आशिक की बात हो रही है? जुनेद साहब कह रहे हैं कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। क्या मोहब्बत? और वो भी उससे? क्यों नहीं हुई? नहीं भाई, हरगिज नहीं। आई जस्ट फील बैड फॉर हर, दैट्स ऑल। यू नो व्हाट, तुम्हारी ये जो सिंड्रेला लाइक थ्योरी है ना, इसमें ये लोग आ सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है उस पे यकीन करता हूँ। भाई देखो, वो प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए, मैंने उनको दिखाने के लिए किया था। क्या मतलब? भाई उसके घर वालों को डरने के लिए एक दामाद चाहिए था, और मुझसे ज्यादा किससे डरते हैं वो, तो बस डरा दिया। यानी कि तुम उसके साथ सीरियस नहीं हो? भाई उसकी खुशी के लिए और उसकी बेटरमेंट के लिए मैं उसके साथ हूं, लेकिन मोहब्बत एब्सोल्युटली नॉट। क्या बात है, आज तुम सारा दिन घर पे थे? दोस्त से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। वो उसकी हरकत से हैरान हूं मैं। वैसे हैरान तो मैं भी हूँ। इतना वेल एजुकेटेड और रिच लड़का सिर्फ हमदर्दी में तुम्हारी कजन से शादी करने को तैयार हो गया। हमदर्दी? हाँ, और आपने देखा नहीं मामू को, जैसे इंतजार में बैठे थे ठग से हाँ कर दी उन्होंने। देखिएगा भाभी, जब वो डुगडुगी पे इनको नचाएगा ना, तब पता लगेगा इन सबको। अरे डुगडुगी पे तो वो कल मामू को ऐसे नचा रहा था कि उन्हें मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिला। बड़ा ही मुंह जोर है, पता नहीं तुमने कैसे दोस्ती रखी हुई है उससे। हाँ लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ कहा होगा मामू से, लेकिन मेरा बचपन का दोस्त है वो, अच्छी तरह जानता हूँ किस तरीके से सलूक करता है अपने माँ बाप के साथ, सब पता है मुझे। बेचारे मामू, काश मुमानी ने उस बुड्ढे की जगह कोई अच्छा लड़का पसंद किया होता, या कासिम ने ये सब किया ही ना होता। तो इससे क्या होता? इससे उसे ना सितारा से हमदर्दी होती, ना वो ये सब कुछ करता। और कासिम, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए, तो अब क्या हो सकता है? हो तो सकता है। क्या? यही कि सितारा को समझा दे कि साफ इनकार कर दे या कहीं और। वो पागल है क्या जो अपनी झोली में गिरा फल कचरे में फेंक देगी? आप खुद ही तो कह रही थी वो उन्हें डुगडुगी पे नचाएगा। ये तो हमें लग रहा है ना, हो सकता है उसे ऐसा ना लगता हो। उसके लिए तो वो निजात दहिंदा बन के आ गया था। लेकिन आप उसे समझाए ना, वो उसकी इज्जत नहीं करेगा, ये सब वक्ती है। इज्जत तो खैर यहाँ भी कोई नहीं करता उसकी, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो अपनी शादी के बाद अपनी बेइज्जती का बदला गिन गिन के लेगी। नहीं नहीं, आपको नहीं मालूम वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, एक बार कहने पे हैदराबाद चलाया वो। दोस्त के साले बन जाओगे तो अपनी बहन की मर्जी के बगैर उसके दरवाजे पे बेल भी नहीं बजा पाओगे। मुझे अपने कपड़े रिपीट करने में कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह लोगों से मांग कर उनके खैरात पर पलने का कोई शौक नहीं। ये हुडी भी अपने दोस्त से मांग कर लाए हो, है ना? कुछ तो करना हो।